तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मालगांव वाले माई साहब और जीतू भी आए हैं, तो बस अभी चाय बनाएंगे उनके लिए। तो चलो चलते हैं ऊपर, मैं फ़ैन वगैरह ऐसे ही छोड़ गई थी तो वो अभी आए हैं जस्ट। तो मैं गेट खोलने गई तो सब लाइट वगैरह ऐसे ही छोड़ गई, तो उसे बंद करने आई, और अब जाकर चाय बनाऊंगी मैं उनके लिए। तो अभी मैंने उनको चाय पिला दी है और वो कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि दूर से आए हैं तो थकान हो गई है। और 5:30 या 6 बजे उनको डॉक्टर से भी मिलना है, क्योंकि आज उनको चलने का पता चलेगा। इतने दिन वो अपने आप नहीं चल रहे थे, मतलब किसी सहारे से चल रहे थे, तो आज डॉक्टर को दिखाएंगे कैसे क्या वो चलने का बोलता है। तो वो रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लाए हैं ये काजरे जो मैंने मंगवाए थे, क्योंकि काजरे की चटनी मुझे अच्छी लगती है, तो ये थोड़े से ही मिले उनको, तो ये लाए हैं। ये लाए हैं मूंग, क्योंकि मम्मी ने मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ दिवाली को मूंग चावल बनते हैं, तो ये फ्रेश मूंग मंगवाए हैं जो अभी नए निकले हैं, वो वाले मूंग है, यही बनते हैं मतलब मूंग चावल। मैंने तो मतलब हमारे गाँव में नहीं बनते, तो वो दिवाली के लिए मंगवाए हैं। और ये लाए मोठ, उनकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, रात को भिगो कर रख दो और सुबह बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। तो कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सामान लाए मायसा, और अभी मैं करूंगी खाने की तैयारी। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, मतलब दो तरह की ढोकली बनती है, उसे तो मैं ढोकला बोलते हैं, बड़ा बड़ा बनता है उसे ढोकला बोलते हैं, वो मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। तो बस आटा मैंने लगा दिया है, ढोकली का आटा मैंने लगा दिया। इसमें मैंने डाला था नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा तेल डालकर इसमें थोड़ा टाइट टाइट सा कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा लग गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसकी दो तीन रोटी बना दूँगी और बाकी की मतलब बाटी बना दूँगी। रख दी है मैंने दाल, इसमें मैंने चने की दाल और मूंग की दाल ली है, इससे अच्छी बनेगी ढोकली, मतलब दाल ढोकली अच्छी बनेगी। तो ये मैंने भिगो कर रख दी है थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं। तो ये हम जैसे नॉर्मली दाल बनाते हैं तड़का लगाकर जैसे दाल बना लेंगे, जैसे मैं कुकर में एक साथ ही बनाती हूँ, अलग से छौंक नहीं लगाती हूँ, तो वैसे मैं दाल बना लूँगी पहले। तो ये बना ली है मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ, तो इस तरह की इसकी लोइयाँ बना ली है, और ये थोड़ा सा बच गया है तो इसकी रोटी बनाऊँगी मैं। और ये पानी में उबाल आने के बाद इसमें दाल और ढोकली डालूँगी।
तो मेरी दाल ढोकली बनकर हो गई है तैयार। देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट में पता नहीं कैसी होगी, वो खाने के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं कुकर को वापस बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ी गर्म रहे। ये राजस्थानी स्टाइल दाल ढोकली है। तो आज मैंने डीओ मंगवाए हैं कि इनके डीओ ख़त्म हो गए थे, तो ये 200 के 3 आए हैं। सॉरी, फ्लिपकार्ट पर ऑफ़र था तो मैंने मंगवा लिया, फिर 3 शेड के आए और 200 के 3 है ये। सुबह की चाय पी ली है हमने और मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि कल नवरात्र है तो आज थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि कल फिर होगी नहीं, क्योंकि मुहूर्त कभी का भी हो सकता है, जल्दी का भी लेट का भी। तो मैं सोच रही हूँ आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ पूरे घर की, जो भी काम करना होगा। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, तो शायद मैं 12-1 बज जाएंगे आज मुझे काम करते करते। तो बस चाय पी ली है और अब लग गई हूँ मैं काम में। तो अभी बज रहे 2:00 के 1 और अब फ्री होकर आई हूँ मैं, और आज इतना काम था है भगवान पूछो मत। मतलब कपड़े भी वॉश किए, पूरे घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया, सब किया, तो मतलब नॉन स्टॉप लगी थी सुबह। मतलब जब से उठी हूँ ना तब से लगी हूँ, और अभी 1 बज गया, अब नहा कर आई हूँ जस्ट, और बिल्कुल भी नहीं बैठी आज तो। किसी का कॉल भी नहीं उठाया, रितु का कॉल आया, घर से भी कॉल आया था, किसी का भी नहीं उठाया। मैंने सोचा अब काम करके उसके बाद ही बात करेंगे। और आज मम्मी और कुलदीप बना भी शॉप पर जल्दी चले गए थे, 8 बजे चले गए वो, क्योंकि आज शॉप पर थोड़ा काम था उनको, तो वो जल्दी निकल गए थे और मैं लगी थी अपने काम में। तो बस अभी हालत इतनी ख़राब सी हो गई है, मतलब थकान सी हो गई है। तो थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद कपड़े वगैरह भी उतार कर लाऊँगी। वैसे शर्ट वगैरह तो उतार दिए मैंने, और जींस वगैरह सूख रही है तो वो शाम को उतार कर लाऊँगी। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अब तो मेरी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक साथ। तो अभी मैंने 1-1.5 घंटा मस्त नींद निकाल ली है और कपड़े लेकर आ गई हूँ छत से। तो अब इनको करूँगी फोल्ड, 1 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा इनको फोल्ड करने में। और वहाँ पड़ी है मेरी कोल्ड ड्रिंक, तो अब जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए हैं और अभी चाय पीने का मन हो रहा है, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो चाय पीना सही नहीं रहेगा। और मासी सा और कल मासी सा और जीतू भैया कल शाम को पूनम जी के फ्लैट पर चले गए थे, तो अब मैं करूँगी थोड़े से बर्तन साफ, क्योंकि दोपहर में मैंने थोड़े बर्तन साफ़ नहीं किए, ज़्यादा नहीं थे, 1-2 थे तो मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो बर्तन साफ़ करूँगी। और आज मैं हमारे फ्रिज को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जहाँ ये रखा होता है ना उस तरफ माता जी की स्थापना होगी कल, तो इस तरफ कर दिया है। और हमारा दूध भी आ गया है। तो सुबह यार घर पर आ गए थे तो हमने खाना वाना जिम लिया था, फिर सोचा यहाँ पूरम जाके फ्लैट पर चलते हैं, क्योंकि माई साहब और जीतू भैया यही है, तो मैं और बना तो आ गए, और मम्मी और सुबह जा रहे हैं गाड़ी से, हम बाइक से आ गए। तो चलो चलते हैं ऊपर। मैंने सोचा आ गए पूनम जाए घर से, बातें बातें करके 1-1.5 घंटा बैठे थे वहाँ, बातें करने बैठ जाते फिर उठने का मन ही नहीं करता, सब लोग होते हैं माई साहब वगैरह की सबकी बातें सुनने लग जाते हैं तो उसमें टाइम निकल जाता है। और अब सुबह जल्दी उठना है क्योंकि नवरात्र स्थापना जल्दी का ही टाइम मुहूर्त है, तो अब सोएंगे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय, गुड नाइट।